हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज नेहा। तो आज के वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ कलमी वड़े, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक कप चने की दाल ली है, जिसे 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है, दाल भिगोने का टाइम नहीं है, तो आप इसे गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है, जिसके 2 पीस मैंने कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने मिक्सी का जार लिया और इसके अंदर में दाल ऐड करूंगी और हरी मिर्च, और इसे हमें दरदरा पीसना है। और दूसरा एक चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल भी बिना पानी ऐड करे आपको दाल को पीसना है। और अगर आपके पास दाल भिगोने का टाइम नहीं है, आप इंस्टेंट वड़े बनाने हैं, तो आप इसे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए। गर्म पानी में भी बहुत अच्छी दाल हमारी भीग जाएगी। और देखिए उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, ये मैंने कुटी हुई थोड़ी सी काली मिर्च ली है चुटकी भर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, चुटकी भर हींग, 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून धनिया को मैंने साबुत धनिया को हल्का सा कूट लिया है, नमक 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून हमने देगी मिर्च ली है। और ये देखिए दाल को हमने दरदरा पीस लिया है, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। इस तरीके से आपको दाल का पेस्ट नहीं बनाना है, जैसे मैंने पीसी हुई आपको दरदरा पीसना है। और इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। पहले मैंने हींग ऐड करा है, हल्दी, जो जो हमने मसाले ले रखे हैं, काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, नमक 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आप स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, 1/4 टेबल स्पून देगी मिर्च, कुटा हुआ धनिया और ये धनिया पाउडर और कड़ी पत्ती की पत्तियाँ जिसे मैंने बारीक काट लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं। और मिक्स करने के बाद चलिए अब हम इसके वड़े बनाते हैं। देखिए हाथ पे आप हल्की सी चिकनाई लगा लीजिए, आप चिकनाई नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ये चिपकेंगे नहीं हाथ के ऊपर आपके। ये देखिए इस तरीके से वड़े बनाने हैं आपको, टिक्की की तरह आप पहले वड़े बना लीजिए, ज्यादा मोटे नहीं बनेंगे, पतले ही बनेंगे। ये देखिए ये हमारा बनके रेडी है। इस तरीके से पहले हमें सारे वड़े बनाने हैं। एक पीस मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। सेम टिक्की की तरह आपको राउंड शेप देनी है और इसे ज़्यादा मोटा नहीं करना, पतले ही बनाने हैं। इस तरीके से सारे वड़े बनाकर हम रख लेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से हमने दोबारा टिक्की वाली शेप दे दी है और ये वड़ा हमारा बन गया है। तो इस तरीके से मैं सारे वड़े बना के रख लूँगी। ये देखिए हमने सारे वड़े बना लिए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डीप फ्राई करेंगे। पहले हम इसे हल्का सा डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, जिसके अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। जैसे ही आपको लगे कि आपका ऑयल तेज़ गर्म हो गया, तो इसमें हम वड़े छोड़ देंगे। ये आपको फुल गैस के ऊपर छोड़ने हैं। ये देखें, और उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे। इसको आपको ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का ही सेक के आपको निकालना है, क्योंकि ये दोबारा से डीप फ्राई होगा। तो ये देखिए जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने लग गया, तो आप इसे निकाल लीजिए। और निकालने के बाद देखिए पहले मैं इसके 2 पीस कर रही हूँ, और उसके बाद आपको इसी के 2 पीस और करने हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले आप 2 पीस कर लीजिए और उसके बाद, तो ये देखिए मैंने सारे वड़े की कटिंग कर ली है। एक वड़े में से मैंने 4-4 पीस कट किए हैं। और कट करने के बाद अब हम दोबारा इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और अब हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर सेकना है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी ये एक बार हम इसे फ्राई कर चुके हैं।
तो अब आपको इसे हाई फ्लेम पे सेकना है। और अगर आपके पास घर पे चिली फ्लेक्स अवेलेबल है तो आप देगी मिर्च की जगह चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है देखिए, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। इस तरीके से हम हाई फ्लेम के ऊपर वड़ों को सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे वड़े बनके हमारे रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ।